नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप IAS में। समीक्षा सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है जिसमें साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो समीक्षा सीरीज़ है उसमें 1995 से लेके 2019 तक का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे और इनके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझेंगे। तो ये समीक्षा सीरीज़ आपके बेसिकली प्रीलिम्स के लिए आज भी और आगे भी रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि UPSC को उसी के क्वेश्चन के आधार पर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ना कि किसी अन्य बुक्स किसी और नोट्स के आधार पर। तो दोस्तों, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं। देखिए, UPSC जो सवाल पूछती है वो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं। इसका पहला जो लेक्शन था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देख लीजिए। वहीं कहाँ से ये टॉपिक्स कवर करने हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर इंडियन पॉलिटी, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। तो आज के जो बेसिक लेक्चर है तो उसमें साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पिछले 10 सालों में जो है अभी तक कुल मिला के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पूरे जो है ये आगे आने वाले लेसन्स हैं जिनमें 10 क्वेश्चन अभी तक पूछ चुके हैं UPSC जो है आपके सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से, वहीं प्रेम्बल से 3 क्वेश्चन, DPSP से 11। इस तरीके से UPSC लगातार जो है क्वेश्चन पूछ रही है। तो दोस्तों, आइए साइलेंट फीचर की जो है शुरुआत किए जा देते हैं। देखिए दोस्तों, साइलेंट फीचर में जो है नेचर ऑफ क्वेश्चन जो बेसिकली रहा है वो बेसिकली वेरी किया है पॉलिटी में, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसमें जो है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स पे भी। और जो बेसिक डिफ़िकल्टी लेवल रहा है इजी टू मॉडरेट रहा है, हार्ड जो है पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही कम रहे हैं। वहीं इसमें जो होता है बेसिकली जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जैसे 10th शेड्यूल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आपका 9th शेड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, 7th शेड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। तो बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये फैक्चुअल इन नेचर हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप सीधे सीधे जब आपके बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये एलिमिनेशन मेथड कैसे आएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, इसीलिए ये सीरीज़ जो है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये 2 क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे उनमें आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। आपके पास 5 सेकेंड है, स्क्रीन पे आप पॉज कर लीजिए, नहीं तो नीचे टाइमर चलेगा। ये 5 सेकेंड के बाद आपको इसका उत्तर देना होगा। तो दोस्तों, इसका जो बेसिक आंसर है वो है डी, 10th शेड्यूल। तो एंटी डिफेक्शन जो है वो 10th शेड्यूल में है। तो आइए जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो दोस्तों, ओरिजिनली जो होता है 1949 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया जाता है, B.R. अंबेडकर को जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में जो वो चेयर करते हैं, उसमें 395 आर्टिकल होते हैं जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और 8 शेड्यूल उसमें ओरिजिनली होते हैं। पर आज जब 2019 की हम बात करते हैं तो उसमें प्रीएम्बल के साथ साथ 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स में डिवाइड है और 12 शेड्यूल्स में है। तो ये पॉइंट आप प्रीलिम्स के हिसाब से नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके अलावा देखिए, तो एक बेसिक होता है क्या, जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार होती है या एक बीच में एक ऐसा दौर आता है 1980s के दौर में जो कोएलिशन गवर्नमेंट का जो दौर होता है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए कि सरकार बनाने के लिए आपको 110 विधायक चाहिए। तो इसमें क्या है, आपने 110 विधायक या MP जो भी है, तो 110 MP चाहिए, मगर एक पार्टी के पास 109 हैं और एक के पास हैं 107। तो ये चाहेगी कि यहाँ से जो है 2 विधायक ले ले, और ये चाहेगी कि यहाँ से 3 विधायक ले ले। मगर दोस्तों, इसमें क्या होगा, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाएगी। तो इसी से जो है बचाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाता है, जिसे बेसिकली लाया जाता है आया राम और गया राम। ये एक कल्चर जो है 1980s में जो कोएलिशन गवर्नमेंट आती है उसके अंतर्गत ये आता है। तो इस आया राम गया राम कल्चर को जो है पूरी तरीके से रोल आउट करने के लिए जो है ये बेसिक जो है शुरुआत होती है किस चीज़ की, एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस थे उसके लिए सिमिलर कंसिडरेशन के लिए लाया जाता है, और ये 1985 में जो है इंसर्ट किया जाता है। ये जो इंसर्ट होता है इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि अगर एक विधायक है जो कि डिफेक्ट कर जाता है पार्टी से, जो पार्टी की विप के खिलाफ जाता है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो है जैसे कि इसमें कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है दोस्तों, वो किसी भी मेंबर की जो है हाउस में मेंबरशिप जो है वो कैंसिल कर सकता है। और ये जो मेंबर की जो पूरी तरीके से जो हियरिंग होगी वो अंडर जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो है सुनवाई इसकी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है कि द डिसीजन टेकन बाय
प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन इज अंडर जुडिशियल रिव्यू और नॉट, तो दोस्तों बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। आपको एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड अभी कौन कौन से केसेस, जैसे कर्नाटका है इससे पहले कर्नाटका का केस है, और इससे पहले कौन कौन से केसेस हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें मगर वॉलेंट्री अगर कोई अपनी मेंबरशिप दे दे तो उसके आधार पर जो है वो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसमें कुछ जो है एक्सेप्शन भी थे, तो एक्सेप्शंस क्या क्या थे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं एक विधायक हूँ तो मैंने जो है वॉलेंट्री अपनी पार्टी से गिव अप कर दिया, कब, जबकि क्या हो रहा था स्प्लिट और मर्जर दो तरीके के जो है वो होता है, यानी कि मर्जर कब, जब 2/3 ऑफ पार्टी मेंबर जो हैं पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी में अलाइन हो गए, तो उस वक्त अगर मैं अपनी पार्टी से जो है वॉलेंट्री गिव अप कर देता हूँ तो मेरी पार्टी की मेंबरशिप जो है कैंसिल नहीं होगी। वहीं देखिए अगर जो है आपने जो है अपनी पार्टी से प्रायर परमिशन ले रखी है और आपकी पार्टी ने जो है इसको, मतलब कि आपने के डिफेक्शन को, यानी कि आप अगर सदन में जो है अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं, इसको 15 दिन के अंदर जो है इसका कंडोलमेंट लेटर होता है, अपने विप अधिकारी होता है, जिसमें 3 प्रकार की विप होती हैं, तो विप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप वो देख लीजिए। तो ये विप जो है जारी, जो 3rd टाइप की विप होती है, तो इस 3rd टाइप की जो विप में जो है अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। वहीं देखिए वेरियस कमेटीज़ जो है इसके लिए अपॉइंट की गई थी, जिसने ये अपॉइंट किया कि जो है मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की जो पावर होती है वो या तो प्रेसिडेंट को दी जानी चाहिए, कहाँ, सेंट्रल लेवल पे, वहीं स्टेट लेवल पे जो होती है वो दी जानी चाहिए किसको, गवर्नर को, और इसमें एड एंड एडवाइस करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो दोस्तों ये बेसिक प्रोविजंस थे एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग। मुझे लगता है आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली एम लक्ष्मीकांत के हम छोटे छोटे उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे जो कि आपको ये रहता है कि इतनी मोटी किताब है इसको पढ़ना कैसे है। देखिए फर्स्ट शेड्यूल क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में आपका आता है नेम ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, इसमें 1 से 4 आर्टिकल आते हैं। दूसरा आता है यूनियन टेरिटरी और एंड देयर एक्सटेंट। सेकंड शेड्यूल में आपका आ गया प्रोविजन रिलेटेड टू इमोल्यूमेंट्स अलाउंस और प्रिविलेजेस, इसमें क्या कहता है कि जो है कोई भी आप अगर किसी से एक्सचेंज लेते हैं तो वो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के आप नहीं ले सकते हैं। तो सेकंड शेड्यूल के अंदर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहीं जो है चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, CAG। अब देखिए इसमें कौन कौन से जो है सेकंड शेड्यूल में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि आपका UPSC हो गया, तो इन एक्सेप्शंस को आप ध्यान में रखिए कि सेकंड शेड्यूल में कौन कौन सी बॉडीज़ नहीं आ रही हैं जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, ये कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, ये आपको जो है आगे के लेसन्स में भी जो है बहुत काम आएंगी। तो 3rd शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो इसमें फॉर्म्स एंड ओथ और एफर्मेंट्स, इसमें प्रेसिडेंट की ओथ, सबकी ओथ आ जाती है, यूनियन मिनिस्टर की, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CAG, स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट के इलेक्शन की स्टेट लेजिस्लेचर में, वहीं जो है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। और 4th शेड्यूल आपकी बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट टू यूनियन एंड स्टेट। 5th शेड्यूल आपकी बात करता है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज, यानी कि जिसके लिए पैसा पास हुआ था पंचायत, एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट जो है पास किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से UPSC जो है सवाल पूछती है इनके इर्द गिर्द। वहीं 6th शेड्यूल की जो हम बात करते हैं तो ये प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय एंड त्रिपुरा, तो 244 एंड 275 आर्टिकल है। 7th शेड्यूल में आपका डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट, जो कि सेंट्रल स्टेट लिस्ट के आधार पे है। 8th शेड्यूल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, पहले रिकॉग्नाइज करता था 14 लैंग्वेज, अब 22 जो है लैंग्वेज जो है उनको रिकॉग्नाइज करता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आगे UPSC पूछेगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जो है किस तरीके से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कौन कौन सी लैंग्वेज जो है डाली गई। जैसे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ऐड की जाती है। 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड की जाती है 71st के द्वारा, और बोडो, डोगरी, संथली ऐड की जाती है 92nd के द्वारा। वहीं जो है पंजाबी, संस्कृत, संथली, तमिल, उर्दू, सिंधी जो है ये जितनी भी भाषाएं हैं ये 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा जो है ऐड की जाती है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो आपके पास 5 सेकंड है, इसका आंसर आप लोगों को देना है।
तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 1। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यही है तिगड़मबाजी यूपीएससी की। इसमें अगर आप ज़रा सा दिमाग लगाएं तो आप क्लियर कर सकते हैं। वही दिमाग लगाइए कौन बनेगा करोड़पति वाला। तो अब ये सोचिए कि क्या वैलिडिटी कोई भी लॉ की जो है एग्ज़ामिन नहीं की जाएगी जी, तो मतलब ये तो एक तरीके से जुडिशरी का अवेलना होगी ना। तो यहाँ पे जो है केशवानंद भारती केस आ जाएगा, यानी कि केशवानंद भारती जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जो है प्रोपाउंड करता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशियली रिव्यूएबल। तो यानी कि आपका क्या है, 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सीधे सीधे। तो आइए जानते हैं ये कैसे होगा। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी ने इसलिए पूछा क्योंकि जो है एससी एक्ट को जो है गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल में पेश करने की बात की थी, मगर इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि जो है ये जुडिशियली रिव्यूएबल है। तो 9th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं, ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, जिससे कि आर्टिकल 31 भी इसमें ऐड किया गया था, जिसमें कि ये कहा था कि प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला लाई गई। यानी कि देखिए पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था इंट्रेंसिक राइट था, यानी कि जो फंडामेंटल राइट था, मगर इसको जो है लीगल राइट कर दिया गया आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। तो इसको जो है फंडामेंटल राइट के वायलेशन में जो है ना माना जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31B की जो है वैलिडिटी जो है एक्सटेंड कर दी थी, जिसमें कि सेंट्रल को ये पावर दी गई थी कि 9th शेड्यूल में आप कोई भी लॉ प्लेस कर सकते हैं। मगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 9th शेड्यूल के अंदर भी लॉज प्लेस किए गए हैं वो पूरी तरीके से ब्लैंकेट स्क्रूटनी जो है इंजॉय नहीं कर सकते। उसमें जो है 9th शेड्यूल में जो भी केस रखे जाएंगे आफ्टर द केशवानंद भारती जजमेंट 24 अप्रैल 1973, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वरना वो जुडिशियल स्क्रूटनी में जो है लाए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं 9th शेड्यूल क्या है। तो ये बेसिकली इसमें जो है 13 एक्ट थे, ओरिजिनली 13 थे, बट प्रेजेंटली 282 रेगुलेशंस और एक्ट इसके अंतर आ चुके हैं, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म, इसके अलावा जमींदारी एबोलिशन, पार्लियामेंट के जितने भी मैटर्स हैं डीलिंग अदर मैटर्स से, इसके अलावा देखिए शेड्यूल में जो है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जो आया, इसमें जुडिशियल स्क्रूटनी के ग्राउंड पे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के आधार पे जो है इससे बचाने की बात की गई। वहीं 2007 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो है शेड्यूल जो है आफ्टर 24 अप्रैल 1973 हर सब कुछ जो है रिव्यू किया जा सकता है, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। 10th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं, ये मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है लाया जाता है। और 11th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं, ये स्पेसिफाई करता है पावर्स, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, और इसमें 29 मैटर्स हैं टोटल जो कि ऐड किए जाते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। वहीं 12th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं, तो ये म्यूनसिपैलिटी की अथॉरिटी और जो है 18 मैटर्स को जो है ये स्पेसिफाई करता है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब्स 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ लिस्ट बिटवीन द पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इट कंटेन्स लैंग्वेज लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, इट एलोकेट्स द काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकेंड है। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, इट एलोकेट्स द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो दोस्तों 2001 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और 2004 में, यानी कि यूपीएससी जो है लगातार अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है रिवाइज करती है। तो दोस्तों इसके बारे में आइए जानते हैं कि ऐसा यूपीएससी ने क्यों किया। देखिए 4th शेड्यूल जो है आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा से जो है रिलेट करता है, मैं पीछे आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें जो है आर्टिकल 80 कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इज 250, जिसमें कि 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट होंगे, 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होंगे, और 238 जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से होंगे। और एलोकेशन ऑफ सीट जो है वो पॉपुलेशन के बेस पे किया जाता है, और इसके रीऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इसमें जो है इलेक्टेड नंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करेगा फ्रॉम 1952। तो अभी दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा यूपीएससी पूछ सकती है, क्यों? क्योंकि जो है अभी कई कमेटीज़ की रिकमेंडेशन आई हैं कि जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जो है बढ़ाया जाए। तो दोस्तों ये यूपीएससी दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट कर सकती है। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ़ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडमेंट। तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड है।
दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट शेड्यूल, जैसा कि मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेड्यूल्स पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, पीछे जाके दोबारा देखिए। तो फर्स्ट शेड्यूल में मैंने आपको बताया था कि जो है कोई भी अगर स्टेट और यूनियन टेरेटरी बननी है तो उसके लिए आपको फर्स्ट शेड्यूल अमेंड करना होगा, जिसमें कि आर्टिकल 1 ये स्पेसिफाई करता है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया वो कंप्राइज करेगा टेरेटरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरेटरीज और टेरेटरी जो कि भविष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर की जाएंगी। इसके अलावा देखिए द नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट जितना भी होगा वो फर्स्ट शेड्यूल में जो है मेंशन होगा। इसके अलावा अभी जो है हमारे पास 9 यूनियन टेरेटरीज और 28 स्टेट्स हैं। दोस्तों इस डाटा को जो है अमेंड कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जो है कई लोग जो है अभी भी 7 यूनियन टेरिटरी और 29 स्टेट्स में जी रहे हैं, बट अब जो है ये बदल चुका है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 4 है वो ये डिक्लेयर करता है दोस्तों कि जो है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2 जो होगा वो क्या होगा, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, और इसके लिए जो है कोई भी स्पेशल मेजॉरिटी नहीं होगी और सिंपल मेजॉरिटी से भी जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस के ज़रिए जो है ये पास किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि अभी जम्मू एंड कश्मीर के केस में हुआ, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जिसमें कि अमित शाह जी ने जो ये बिल पेश किया था, तो इसमें भी यही हुआ था कि जो है सिंपल मेजॉरिटी से भी अगर हम ये रिजोल्यूशन पास करते तो भी ये जो है अमेंडमेंट जो है लागू होता, क्योंकि वो इंडिया की ही टेरिटरी में जो है चेंज करने का प्रावधान था, तो उसमें जो है हम इसको अल्टर कर सकते थे। तो ये भी UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो नेम चेंज करने के लिए है उसमें रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी। मगर दोस्तों आप इस ये जो हमारी समीक्षा सीरीज है इसकी का ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि ये सिंपल मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के ज़रिए भी हो सकता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन जो है वो पूरा बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का आज हमारा प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है इस तरीके से डिवाइड हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाई द यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों मैं पीछे आपको ये आंसर बता चुका हूँ। कि मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ और इसका आंसर ए था। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इन दोनों लिस्ट को जो है आपको मैच करना है। तो आपके पास 5 सेकंड है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है, DPSP फंडामेंटल राइट, कंकरेंट यूनियन लिस्ट, इंडिया एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो दोस्तों आपको अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको अगर पता है तो आप इसको सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए जो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज से जो है बनाया जाता है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसीलिए यह कहा था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्रेम्ड बाय रैंकिंग ऑल नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा देखिए जो है अलग अलग जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे उन्होंने अलग अलग बातें इसके बारे में कही, और मेजर पार्ट जो है इसका 1935 एक्ट से लिया जाता है, फिलोसॉफिकल पार्ट जो कि फंडामेंटल राइट और DPSP हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए जाते हैं, वहीं जो पॉलिटिकल पार्ट है तो वो लिया जाता है यानी कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कहाँ से ली जाती है दोस्तों, वो ली जाती है आपकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है डी, यानी कि दोस्तों 3512। यानी कि देखिए अगर आपको ये पता होता कि फंडामेंटल राइट जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया था तो आपको सीधे सीधे ये हो जाता कि आपके सारे ऑप्शंस जो है करेक्ट हो जाते। कैसे, यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे कि 5 जो है आपके बी में कहाँ पर आ रहा है, देखिए सीधे सीधे जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यही तिगड़म्बाजी UPSC जो है खेल रही है, अगर आप एक ऑप्शन करेक्ट कर लें तो आप सीधे सीधे मैदान में अंदर होंगे, क्योंकि UPSC आपसे एक एस्पिरेंट की तरह जो है वो बात कर रही है कि आप जिला अधिकारी हैं। अब देखिए सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस और ये सभी प्रोविजन आते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सभी बाइकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहीं US कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट आ जाते हैं, आयरिश से DPSP आ जाते हैं, वहीं कैनेडियन से आ जाते हैं फेडरल
फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर आ जाती है, वहीं कंकरेंट लिस्ट आ जाती है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाती हैं कहाँ से, USSR से। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं, 5 सेकंड के लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस थे वो बेसिकली मोस्टली कॉन्सेप्चुअल थे, तो आइए आज के कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनका आंसर दिया जाएगा आपको अगले वीडियो सेगमेंट में, मगर उससे पहले उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो है आपको समझा दिए जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक फीचर क्या हैं कि लेंजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें जो है अभी प्रेम्बल 395 आर्टिकल और 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल में ये प्रेजेंटली डिवाइड है, डिवाइड था कब, जब ये बना था। अब इसमें जो है प्रीएम्बल के साथ साथ 448 आर्टिकल, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं, और इसकी जो वास्टनेस है वो ड्यू टू ज्योग्राफिकल फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, और ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट और गवर्नमेंट का, और एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ये पहले था, अब ये पूरे भारत के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें जो है लीगल, ये इसकी वजह क्या है कि लीगल ल्यूमिनरीज थे, यानी कि जितने भी लॉ बनाए गए वो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी एक्सपर्ट थे वो इंडिया के लॉयर थे, और 9th शेड्यूल जो था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। इसके अलावा देखिए जुडिशियल स्क्रूटनी के जो बात की गई थी, जैसे कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये इसको वॉइड कर दिया था आफ्टर 24 अप्रैल 1973। हर लॉ जो है जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए ओपन है। वहीं जो 11th और 12th शेड्यूल जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा जो है इंसर्ट किया जाता है, वहीं 11th शेड्यूल जो है जो कि स्पेसिफाई करता है पावर ऑफ पंचायत, और जिसके साथ 29 मैटर्स हैं टोटल, ये कब आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 12th शेड्यूल आपका क्या स्पेसिफाई करता है पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपल कम्युनिटीज़। इसके अलावा 18 जो मैटर्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो वहीं इसका अगला जो है कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, 8th शेड्यूल की हम बात करेंगे दोस्तों। 8th शेड्यूल जो है ओरिजिनली इसमें जो है 14 लैंग्वेजेस थे, आज इसमें 22 लैंग्वेज हैं, जैसे कि मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, ये सभी आप याद रख लीजिए कि ये कौन कौन सी भाषाएं इसमें पहले थी। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो है ऐड की गई। 72 से जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो है वो याद की गई। दोस्तों ये 71st अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार संसद में जो है संथाली लैंग्वेज जो है इस बार बोली गई है, तो इसको याद रखिएगा। वहीं जो है 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है बोडो ये भाषाएं जो हैं जोड़ी गई। वहीं 24th 2004 में जो है गवर्नमेंट ने जो है एक नया क्राइटेरिया डिक्लेयर किया, जिसमें क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई, और इसमें जो है इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे गए, जो कि हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, टेक्स्ट रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ओवर 1500 से 2000 साल पुरानी ये होनी चाहिए, और इसका जो एंशियंट लिटरेचर और टेक्स्ट है वो वैल्यूएबल हेरिटेज का कंसिडर किया जाना चाहिए। वहीं इसके लिटरेरी ट्रेडिशन जो है वो बोरोड नहीं होने चाहिए किसी भी और स्पीच से, और जो क्लासिकल लैंग्वेज है लिटरेरी लिटरेचर जो है वो मॉडर्न लिटरेचर से पूरी तरीके से डिफरेंट होना चाहिए, और इसमें जो है डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे होनी चाहिए क्लासिकल लैंग्वेज और इसके अलग जो है ऑफशूट्स हैं उनके बीच में। तो दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट आज का जान लेते हैं, कि तमिल जो थी वो फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया थी, जो कि जिसके 2004 में जिसे डिक्लेयर किया गया था, 2005 में संस्कृत आ जाती है, और इसके अलावा जो है जितने भी इंडो यूरोपियन फैमिली और द्रविड़ियन फैमिली की जो लैंग्वेजेस थी उनको लेटर इसमें इंक्लूड किया गया, और गवर्नमेंट ने जो है कन्नड़ा और तेलुगू को जो है 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, 2013 में मलयालम इस श्रेणी में आ जाती है, और 2014 में ओडिया। इसके अलावा देखिए 6 और लैंग्वेजेस को जो है क्लासिकल लैंग्वेज में जो है इंक्लूड कर दिया जाता है। आप इसकी लिस्ट जो है पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे पे। तो आपके पास रहेंगे 5 सेकंड, आप इनको सॉल्व करिए और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए कि इनके आंसर क्या होंगे।